मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि सूचना और प्रसारण की दुनिया में काफी परिवर्तन हुआ है। बीते 30 से 40 सालों में काफी परिवर्तन हमें देखने को मिला है। The theme of the current BES Expo 2024 is Evolving Media Ecosystem, Innovative, Immersive and Sustainable Broadcasting, and it is very apt for the times as the media and entertainment sector and industry is changing today faster than ever. The media ecosystem has evolved through centuries, from simple spoken word storytelling to the present-day developments of mass media consumption, personalization, and on-demand consumption. Having evolved from the voice to the written word to the printed word to radio to television to broadcasting to internet to on-demand streaming services and so on and so forth, the industry has seen many rapid developments in the last 30-40 years. और दिल्ली के प्रगति मैदान में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीईएस एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने प्रसार भारती के सीईओ के साथ खास बातचीत की। बदलते दौर में अच्छे कॉन्टेंट की जरूरत है और बहुत ज्यादा फोकस है आत्मनिर्भर भारत पर। प्रसार भारती जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है प्रसार भारती के सीईओ। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, अच्छे कंटेंट की हम बात कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी जोर है। प्रसार भारती अभी पिछले 25 वर्ष से भारत का लोक सेवा प्रसारक है। 1930s से आकाशवाणी काम कर रहा है और लेट 1950s से दूरदर्शन का नेटवर्क हमारे यहाँ पे स्थापित हुआ था। और इतने वर्षों में शुरुआती दौर पर काफ़ी कुछ विदेशी तकनीक लेकर के और उसका इस्तेमाल किया गया इस नेटवर्क की स्थापना करने के लिए। आज भी बड़ी मात्रा में जो नेटवर्क इक्विपमेंट है, विशेष रूप से ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, वो विदेशों में बनता है। तो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ज़रूर हमें इस विदेशी तकनीक का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसका उपयोग हमारे स्थानीय परिवेश में किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सके। और आप देखेंगे कि चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फीले पहाड़ हो, चाहे समुंदर किनारे हो, हर जगह निर्बाध सेवा भारत प्रसार भारती की तरफ से रेडियो और टेलीविज़न की उपलब्ध कराई जाती है। इस पूरे तकनीकी एग्जीबिशन में दुनिया भर से लोग आए हैं जिन्हों की पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो लोग अभी वर्तमान में इनके साथ में मिलकर चाहे अलायंस में काम कर रहे हों और या फिर जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए उद्योग स्थापना करने के बारे में लोग विचार कर रहे हैं, ये एक्सपोज देखने के बाद से और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र की जो आवश्यकताएँ हैं उनका असेसमेंट करने के बाद बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो अपने यूनिट्स स्थापित करेंगे इन तकनीकों को इस्तेमाल करके भारत में ही निर्माण करने के लिए। हमारे जितने लोकेशंस पे मैक्सिमम पॉसिबल नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन किया जा सकता है वो करके हम अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाने का प्रयास करेंगे। दूरदर्शन के बारे में मैं कहूँगा कि अच्छे स्तर के कार्यक्रम बने जो ऐसे रहें जो एंटरटेन भी करें, जो एजुकेट भी करें, जो जानकारी भी उपलब्ध कराएं। और ऐसे कार्यक्रम बनाते हुए ही हमने पिछले कई वर्षों में आज ये स्थिति हासिल की है कि लगातार पिछले 2 साल से रॉयटर्स का जो सर्वे रहता है मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड्स का, उसमें प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी भारत में शीर्ष स्थान पर है। ये थे प्रसार भारती के सीईओ, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपका दूरदर्शन अपनी गुणवत्ता तो बनाए रखेगा ही, साथ ही नंबर 1 का दर्जा बनाए रखेगा। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।